ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है 9 मई 2022 की। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा कि चढ़ती कला में जाने के लिए बाबा को जो हमने आधा कल्प याद किया है, अब उनके फरमान पर चलना है। और बाबा का फरमान क्या है कि एक बाप की याद में रहना है और यज्ञ की प्यार से सेवा करना है, तो प्राप्ति क्या होगी? आत्मा की नेचर क्योर हो जाएगी, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद में सदा बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। फिर कहा, हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला होती है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला होती है। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहे, अब सबका भला होना है। फिर बाबा कहे, यह बात बड़ी युक्ति से समझानी है। फिर आज बाबा ने सेवा की बड़ी विशेष बात बताई कि मम्मा बाबा आकर बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रकुटी के बीच में हम बैठ मुरली चलाता हूँ। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ, परंतु ब्राह्मणी समझती है कि हमने समझाया। इसलिए बुद्धि में सदैव यह रहे कि बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं। मैंने किया, मैंने समझाया, यह अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने ब्रह्मा भोजन बनाने की विधि बताई एग्जाम्पल के साथ कि जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं, ऐसे हमें भी मन का मौन, मन से शांत रह, एक बाबा की याद में रह भोजन बनाना है। तो ऐसे पवित्र बन भोजन बनाते हैं और याद में बनाते हैं, तो उस भोजन को खाने से आत्मा को भी और शरीर को दोनों को बल मिलता है। फिर कहा, तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं कि तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएंगी। आज मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, एक बाप की याद में रहना और यज्ञ के प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी मिलती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फिरते फिरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों में व धर्मों में इनका तालुक नहीं है, वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको ले जाएंगे। हम भारतवासियों के ही चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है, उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं, कलयुग की आयु अजन 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ा युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं, अर्थात नाराज हो जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय 2 बाप का देना है। भगवान वाच है कि गीता सबका माई बाप है, वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल न सके
तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है, अर्थात गीता का रचयिता पिता शिव बाबा हैं। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे, तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या तल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है, कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है, राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है, माला आदि फेरने की कोई बात नहीं। बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते है ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होती है। हमने इतना समय बाबा की याद में रहे, अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। अर्थात जितनी हम अपने अंदर पवित्रता और दिव्य गुणों की धारणा करते जाएंगे, उतना हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता जाएगा, जिससे आत्मा को सुख और शांति की अनुभूति होगी। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते हैं कि गॉडफादर आ गया है। कहाँ है, जरूर सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं, जरूर बाप ही हेवन की स्थापना हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना, कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत डरते हैं। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है, कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं, ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके, तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा की औलाद, प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। तुम उन लौकिक ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताय नमः, ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी हो, अर्थात जो संगमयुगी ब्राह्मण पवित्र बनते हैं वह नमन के लायक है। समझते हैं यह ब्राह्मण लोग तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है, वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल, उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ मधुबन बाबा के सामने आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो। बुद्धि में है यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं। सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, न कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है,
या हथियाला बांधने वाले को याद करती हैं। तुम्हारा भी साजन शिव बाबा हैं, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव बाबा को। यह लॉकेट आदि भी शिव बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। ब्रह्मा बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों को योग लगाना है साजन शिव बाबा के साथ। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी भ्रकुटी के बीच में हम बैठ मुरली चलाता हूँ कल्याण करने अर्थ। बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा का कल्याण करना होता है तो बाबा किसी में भी आकर बैठ ज्ञान सुनाते हैं और उन आत्मा का कल्याण करते हैं। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेंगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि यह भी मन में नहीं आना चाहिए कि हमने इनको ज्ञान दिया, यह इतने आगे चले गए। नहीं, सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यह तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। यह ब्रह्मा बाबा भी बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है, फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता। ड्रामा में नोंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे। नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो कितना पिछाड़ी में खड़े है ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा कल्प वृक्ष का चित्र इमर्ज करा रहे हैं। अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा मात पिता। यह कपल जोड़ी हुई ना, माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही पूछेंगे। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे, हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि यह बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं, सेंसिबल जो होगा वह फट से कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो तो हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्मा को याद करो तो निर्वाण धाम में जाएंगे। जाता तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं है। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान मूल वतन जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं, यह सब पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदु की पूजा कैसे होगी? कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा का बाप भी ऐसा होगा ना। बाप को देह नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती? बाप को परम आत्मा कहा जाता है, वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह कोई बड़ा नहीं है। उनमें यह नॉलेज है, इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नॉलेज फुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल न सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं, तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानी ही ग्लानी है। कृष्ण को लॉर्ड अर्थात बच्चा भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं।
गॉड कृष्ण हेवन का पहला प्रिंस लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं। यह दोनों गॉड गॉडेज हैं। पुराने पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। पुरानी पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसी को पता नहीं महिमा सारी शिव बाबा की है। वह चीज तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है? नंबर वन शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूछते किसको हो। शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी हैं, उससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होंगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। यह सब बातें धारण करनी होती हैं। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं, श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रहे बनाना चाहिए, तो उसे बल मिलेगा। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे वो लोग बाहर की शुद्धि से भोजन बनाते हैं, लेकिन हमें बाहर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि और बाबा की याद से भोजन बनाना है, तो उस भोजन से शक्ति मिलेगी। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाबा को याद करते हो, फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम बाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद शिव बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह तीन बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएंगी। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।